ये चेक कर लीजिए। फिर इंटरेस्ट 1 लाख और डिविडेंड 50,000, ठीक है जी। मैं एक अलग से शॉर्ट नोट प्रिपेयर करूंगा, नोट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को एक से ज्यादा आइटम्स यूज है। तो वर्किंग नोट 1, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। बेटे इंटरेस्ट 1 लाख है और डिविडेंड 50,000 है, ठीक है जी। तो चलिए जी, 1 लाख और ये 50,000, टोटल आ गया जी 1.5 लाख। अभी हम टोटल करेंगे भी नहीं, लिखना भी नहीं, गलती से मैंने टोटल कर दिया। क्या होता है, एक और आइटम और आ जाए तो एक साथ बाद में देखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख। मैंने कहा था मटेरियल 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड परचेस। तो पहले कंज्यूम लिख रहे हैं 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो देखते हैं 2 लाख कहाँ है। तो मैं सीधा यहां पर लिख रहा हूं 2 लाख। अब मुझे लिखना है चेंज इन स्टॉक, फिनिश गुड्स एंड WIP, तो ठीक है जी, चेंज इन स्टॉक। तो मैं एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करूंगा, तो वर्किंग नोट नंबर 3, 2 में लिख रहे हैं जी चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस। और यहां पर बेटे मैं चेंज लिख दूंगा, इधर चेंज लिख दूंगा। अब देख लीजिए जी, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है बेटे 3 लाख और 1 लाख, और क्लोजिंग कितना बेटे 5 लाख और 60,000, 5 और 60, 5 और 60, 5 और 60, हाँ 5 लाख यहां लिख दिया जी, 60,000 यहां लिख दिया। अब ओपनिंग में देख लीजिए 3 और 1, 3 और 1, लो बेटे 3 लाख 1 है, 1 लाख 1 बेटे। आपको नए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेंजेस लिखने हैं, तो मैंने कुछ चेंजेस ऐसे लिख दिए। आप बताइए 5 लाख 60,000 माइनस 4 लाख बेटे 1 लाख 60,000 बेटे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, इसका मतलब एक्सपेंसेस कम हो गए। तो बेटे क्योंकि मुझे इसको एक्सपेंडिचर में लिखना है, तो मैं माइनस लिखूंगा आराम से बेटे, आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। चेंजेस इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है बेटे 5 लाख 60,000, ओपनिंग है 4 लाख, तो इसका मतलब क्लोजिंग ज्यादा, इसका मतलब इनकम बढ़ेगी, इसका मतलब एक्सपेंसेस कम होंगे। तो बेटे 1 लाख 60,000 ये जो लिखेंगे ये माइनस में लिखूंगा बेटे, चेंजेस इन स्टॉक। बेटे ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, आराम से देखिए, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने नोट 1 का टोटल भी नहीं लिखा, 1,50,000 उसको भी लिख देते हैं, चलिए वैसे तो बाद में लिखते, कोई नहीं, 1,50,000 अदर इनकम। चलिए जी, अब आए हम इंप्लॉइज एक्सपेंसेस में।
बेटर रहेगा कि आप इसका वर्किंग नोट बनाए, इंप्लॉइज एक्सपेंसेस, सैलरी वेलफेयर बोनस, सैलरी वेलफेयर बोनस, सैलरी वेलफेयर बोनस, बेटा बोनस 50,000 लिखे, मैं कह रहा हूं कि बोनस 50,000 लिखे, तो 50,000 बोनस है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, 2, 1 और 50, ठीक है जी। यहां लिख रहा हूं जी मैं वर्किंग नोट नंबर 3, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी बोनस और वेलफेयर एक्सपेंसेस, सैलरी बोनस वेलफेयर एक्सपेंसेस, तीन लाख 50,000, मैंने बोनस मानना है कि 50,000 है, तो दिखा दीजिए। तीन लाख 50,000, आइए जी मैं डेप्रिसिएशन में आ गया जी। डेप्रिसिएशन 6 अमोर्टाइजेशन नहीं है, एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस 1 लाख, 6 and 1, ठीक है, 6 and 1, डेप्रिसिएशन 6 lakhs, डेप्रिसिएशन 6 lakhs, और बेटे एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस 1 lakh, एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस 1 lakh, 1 lakh के एक्सपेंसेस हैं, तो बेटे ये लेस करेंगे प्रॉफिट में से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है बेटे 2 लाख, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है 2 लाख, लो बेटे ये प्लस करेंगे बेटे इनकम है, इनकम में इनकम ऐड होती है और इनकम से एक्सपेंस लेस होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बेटे 3 लाख रुपए की प्रोविजन है कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो टैक्स में आ जाइए 3 लाख रुपए प्रोविजन, डेफर्ड तो बताना ही, आराम से देख लीजिए, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। मैंने क्या किया, चलाकी करी, पहले सारा फॉर्मेट लिख दिया, अब उस फॉर्मेट के बेसिस पे करता जा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी हो रहा और गलती भी नहीं होगी। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 4 लाख, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 4 लाख, ये लो बेटे 4 लाख, और बेटे 1,20,000 30% के हिसाब से टैक्स है। प्रॉफिट फ्रॉम आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 2,80,000, 2,80,000, दो लाख अस्सी हजार,
बेटा बस 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है बेटे, खत्म ही हो गया मेरा बेटे। 1 लाख शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स देख लीजिए कुछ, मैंने ये कर दिया, ये शो कर दिया, 350 भी शो कर दिया बेटे। आइए खत्म होने वाला टोटल इनकम 21,50,000 बेटे, ये है ही नहीं, फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है, अदर एक्सपेंसेस भी नहीं है, टोटल कर देते हैं 2 लाख माइनस 1,60,000 प्लस 350 प्लस 6, ये आ गया जी 9,90,000। आराम से देख लीजिए 2 लाख माइनस 160 प्लस 350 प्लस 6 बेटे 990, बेटे 990 2150 11,60,000 लो बेटा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्सेप्शनल आइटम्स, तो बेटे 10,60,000 1160 माइनस 1 लाख बेटे 10,60,000 और बेटे प्लस 2 लाख आ गया जी 12,60,000 माइनस टैक्स, तो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा बेटे 9,60,000। अब 9,60,000 और 2,80,000 12,40 लो जी, और 12,40 अपॉन 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया जी 12 रुपए 40 पैसे। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, बेसिक ईपीएस तक निकाल दिया बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एक झलक दे दिया बेटे, ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, एक झलक दी है कि हाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटे मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स ले लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, आपको अभी तक खाली मैंने बेसिक आइडिया दिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, कंपनी एक्ट 2013 की बातें की हैं, शेड्यूल 3 की बातें की हैं, लायबिलिटी साइड की बातें की हैं, एसेट साइड की बातें की हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया बेटे, बड़े प्यार से आराम से बताया, कोई तो जल्दबाजी नहीं की बेटे। अब बेटे हम आज से आगे चलने वाले हैं, अब मैं आपको मेन युद्ध के मैदान में ले जाऊंगा, अभी तक तो मैं आपको शिक्षा दे रहा था, तैयार कर रहा था कि तलवार कैसे चलाते हैं, अब मैं आपको युद्ध के मैदान में लेकर जाने वाला हूं। अब कैसे जाएंगे युद्ध के मैदान में बेटे, वो देखना, तो मैं आपको ये दूंगा क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पेपर में बेटे, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और आपको बेटे 2 स्टेटमेंट्स बनानी होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो बेटे फुल फ्लेज क्वेश्चन अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। तो एक होमवर्क देना चाहूंगा आप सभी को बेटे, होमवर्क ये है कि आप सभी बेटे बेटे होमवर्क में ये है कि Lecture 1, Lecture 2 और Lecture 3 में जो भी बताया, जो भी केस स्टडी बताई है, एक बार उसको अपने हाथों से दोबारा से रिवाइज करेंगे और बेटे लिख लिख कर करेंगे, एक बार
यकीन मानिए, अगर आपने मेरी बात को मान लिया ध्यान से, तो मैं आपको जीत दिला दूंगा, जीत दिला दूंगा। मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। अब बेटे खून देने में कंजूसी मत करना, नहीं तो आजादी एक दो अटेम्प्ट के बाद मिलेगी। तो प्लीज इन्हीं बातों के साथ होमवर्क एक बार रिवाइज करें, क्योंकि लेक्चर 4 से हम बेटे नई कहानियां शुरू कर देंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे।